Easy go. सो ही गेमर्स फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल के और एक फ्रेश एपिसोड में। तो बहुत भाइयों का कमेंट आया है कि भाई आप लाइव स्ट्रीम कैसे करते हो ब्रो, लाइव स्ट्रीम कैसे करते हो, दिखा दो। और सही में इस वीडियो को बनाने के लिए कितने दिन से वेट कर रहा हूँ सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बेसिकली लाइव स्ट्रीम करने के बाद और कुछ काम करने के बाद। सो देखो बेसिकली मैं शुरुआत करता हूँ अपने फ़ोन से, मैं कौन सा फ़ोन यूज़ करता हूँ, ठीक है। फ्लिपकार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मैं रियलमी 6i का डिवाइस यूज़ करता हूँ। 4 GB रैम है मेरा, 64 GB वेरिएंट वाला है, 464 GB। उसके साथ में और भी जो स्पेसिफिकेशन में जानना है तो डिटेल में देख लो, फ्लिपकार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो बेसिकली लाइव स्ट्रीम करने के लिए कुछ चीज़ों की बेसिक नीड होती ही होती है, अगर वो चीज़ें तुम लाओगे ना तो तुम्हारी स्ट्रीम में 4 चांद लग जाएंगे। सो देखो आगे क्या है कि वो चीज़ें क्या है, आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। सो चलते हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि कुछ सेटअप में कैसे करता हूँ टोटल। अपने मोबाइल पे कुछ सेटअप करना ज़रूरी होता है ना, सो वो सब चीज़ें। चलो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो मेरा लाइव स्ट्रीम है ना, ये मैं करता हूँ यूट्यूब एप्लीकेशन से। सो चलो लेके चलता हूँ मेरा यूट्यूब एप्लीकेशन से। लेकिन ये जो आप लाइव स्ट्रीम है वो आप तभी कर सकते हो अपने यूट्यूब एप्लीकेशन से जबकि आपका 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तब। सो मैं करता हूँ कैसे दिखाता हूँ, जो नीचे प्लस वाला आइकन है वहाँ पर क्लिक करो, गो लाइव पे क्लिक करो। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो फेस कैम ऑन हो चुका है मेरा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर मेरा फेस दिखना चाहिए था, अगर देखना चाहते हो तो भूल जाओ, नहीं दिखेगा। सो देखो बात दरअसल ये है, फिर जाके आप जो मोबाइल का आइकन है इस पर क्लिक करोगे ना, इस पर क्लिक करने के बाद बिंदास से यहाँ पर अपना अपना टाइटल लिखना है। देखो टाइटल में कुछ भी यहाँ पर टाइप करके देख सकते हो, ठीक है। सो ये आपको यह पब्लिक रखना है, लेकिन मैं अनलिस्टेड रख रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी लाइव स्ट्रीम नहीं करना, बस मैं टेस्ट के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। गेम के टाइटल पर जाके यहाँ पर आपको फ्री फायर चूज़ करना है। यहाँ पर देखो घर में फ्री फायर पहले ही आ चुका है ना, फिर जाके यहाँ पर आपको करना है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, क्योंकि मेड फॉर किड करूँगा तो 13 साल के नीचे के बच्चे होगा उन्हीं के लिए स्पेशल वीडियो हो जाएगा और मेरी वीडियो बेसिकली उनके लिए नहीं है। सो फिर जाके मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैं जो करता हूँ वही दिखा रहा हूँ। मोर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद एडवांस सेटिंग्स पे जाके इसको मोनेटाइजेशन ऑन करता हूँ और ऊपर देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मेरा ऑलरेडी पहले से सेटअप हुआ होता है क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट पे सेट करके रखा है। देखो टैग बैक सब मतलब हैशटैग जो मैं यूज़ करता हूँ सब कुछ यूज़ करने के बाद, ठीक है। यहाँ पर मैं जब नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखो थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर मुझे थंबनेल चूज़ करने के लिए बोलेगा। सो यहाँ पर बेसिकली मुझे अपलोड थंबनेल पे जाके थंबनेल चूज़ करना होता है, उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ तो मेरा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाता है। अब उसके साथ यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, ठीक है। बैक करने के बाद देखो मैंने एक शॉर्टकट पेज बना के रखा है यूट्यूब क्रोम का, ठीक है, डेस्कटॉप वर्जन ऑन करके। सो यहाँ पर मेरा यूट्यूब जो है क्रिएटर स्टूडियो है डेस्कटॉप वर्जन का वो खुलेगा, जो बेसिकली कंप्यूटर का काम होता है, बट क्योंकि मेरे पास मोबाइल है सो मैं उसी का यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पर जब मैं वीडियोस पे जाऊँगा, एक्चुअली मैं जब मैं वीडियोस पे जाता हूँ, देखो मैं वीडियोस टैब पे क्लिक कर रहा हूँ। सो इसके साइड में लाइव वाला ऑप्शन है, सो लाइव वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो जो अभी अभी मैंने जो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया अनलिस्टेड में, वो वाला यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसके एडिट सेक्शन में जाऊँगा, एडिट सेक्शन पर जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे देख सकते हो, यहाँ पर यह दिखा रहा है स्विच मतलब शो मोड, ठीक है। शो मोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टैग्स डालना होता है, जो टैग्स मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। सो टैग्स बस डालने के बाद मेरा लगभग काम कंप्लीट, यहाँ पर बस सेव कर दो, काम ख़त्म। यही बस होता है मेरा जो नॉर्मल सा मतलब टेक्निकल काम होता है, बस यही सब कुछ मेरा काम होता है। और एक चीज़ चाहिए होता है लाइव स्ट्रीम करने के लिए, जो मैंने बोला था आप लोग जिसके लिए वेट कर रहा हूँ, एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए होता है, बस एक ही मोबाइल काफ़ी है, इससे लाइव स्ट्रीम कर लो हो जाएगा। Tell me that you love me, even if it's fake.